लॉकडाउन और कोरोना कम ना था कि आज पाकिस्तान एक दिल दहला देने वाली खबर से मजीद ड्रामेटाइज हो गया है। PIA की परवाज 8303 जो कि लाहौर से कराची जा रही थी, लैंड करने से एक से दो मिनट कबल क्रैश कर गई और कराची के इलाके मलीर कैंट के एरिया में चार से पाँच घरों के ऊपर उसका मलबा गिरा। कराची के इलाके मलीर कैंट में मॉडल कॉलोनी में ये गिरने वाला जहाज जिसमें 100 पैसेंजर्स और 12 अमले के लोग शामिल हैं, कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में ज़ारा आबिद जो कि एक पाकिस्तानी मॉडल और एक्टर हैं भी सवार थी। ज़ारा के दोस्तों के स्टेटस पोस्ट करने के बाद उनका लिस्ट में नाम चेक किया गया तो बदकिस्मती से उनका नाम उस लिस्ट में शामिल है, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। ज़राए के मुताबिक उनके भाई जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको ज़ारा का कुछ भी पता नहीं चला है और अब वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक इसके बारे में कोई मज़ीद तफसीलात नहीं आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो दोनों खैरियत से हों। राशिद जो कि एक पैसेंजर बताए जा रहे हैं, जाने से पहले अपना फेसबुक स्टेटस अपलोड करके गए जिसमें उन्होंने कहा, गोइंग बैक टू कराची आफ्टर लॉकडाउन, अल्लाह तेरा शुक्र। राय के मुताबिक हमारे ICU में, हम दुआ करते हैं वह जल्दी ठीक हो जाए। इस प्लेन के कैप्टन सज्जाद जिनका लास्ट सीन आज 12:30 बजे देखा गया है, ताहाल उनकी कोई खबर नहीं। उनका कुछ मिनट पहले ही कंट्रोल टावर से रबता मुनकता हुआ, अभी इनके बारे में कोई मज़ीद तफसीलात नहीं आई हैं। बहरहाल रेंजर्स और आर्मी मिल के मुतासरीन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।